पाजी आई। गुड न्यूज़ है। कॉलेज हॉस्टल में रूम मिल गया, अब पुणे छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है ना। अच्छी न्यूज़। सच? सो हैप्पी फॉर यू। एग्जैक्टली। वैसे तुम भी ये सब क्यों करने लगे? वो भी उस नकचड़ी सवी के लिए। ये क्या बोल रहे हो? वही जो तुम सोच रहे हो। वैसे अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो सवी का बर्थडे मनाना क्यों चाहते हो? मत मनाओ ना। वो इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने गलत किया था उसके साथ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और उसे सुधारना चाहते हो, है ना ईशान? हाँ। अब तुम्हें एहसास हो गया है अपने पछतावे का तो, और उसे सुधारना चाहते हो, उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो ईशान पूरे दिल से करो ना। ऐसे आधी अधूरी मेहनत करके क्या फायदा? जिस काम का जिम्मा उठाया है उसे पूरे दिल से पूरा कर। ऐसे आधा अधूरा मत छोड़ो जैसे तुमने छोड़ा था। ये फाइनल लिस्ट नहीं है। ईशु कैसा है इस बार? डॉक्टर भोसले, एक्चुअली मैंने आपको किसी इम्पोर्टेंट काम से कॉल किया। मैं जानती हूँ बाड़ा, पर तूने मुझे फोन किया ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल आपकी फेवरेट स्टूडेंट सवी, उसका बर्थडे है और उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान किया। क्योंकि आप सवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो वो लोग चाहते हैं कि आप उसकी पार्टी में। शंतर तो किसी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और ईशान सभी के बर्थडे की। सब चाहते हैं कि मैं वहां हूं, तू भी। कल शाम को 6 से 8 के बीच में आ जाइएगा, अगर आप आएंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। मेरे ईशु ने मुझे बुलाया तो मैं कैसे नहीं आऊंगी।